हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कार DIY। आज फिर से हाजिर हूँ लेके एक नई वीडियो, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जो किया सोनेट है उसमें जो फॉग लैंप्स मिलते हैं, हमें प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलते हैं, बट जो इनके अंदर बल्ब्स होते हैं वो होते हैं HB4 51 वॉट्स, और आप देख सकते हो येलो लाइट के साथ है, पर जो अपनी हेडलाइट्स हैं वो वाइट होती हैं। तो आज हम इनको चेंज करके इसकी जगह ये एक्सल लाइट का ज़ीनोन वाइट अल्ट्रा ये वाला बल्ब लगाएंगे। 55 वॉट्स है, 12 वॉट्स है, ये भी HB4 9006 भी बोलते हैं इसको, ये वाले इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगाने हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं इस काम को। इस काम को करने के लिए आपको चाहिएगी ये जो अपनी टूल किट है, ये पूरी टूल किट चाहिए आपको, और इसमें से ही मैंने एक सॉकेट लगा लिया है 10 नंबर का। तो सबसे पहले हमें ये चार बोल्ट खोलने हैं, 1, 2, 3 और 4, इनको ओपन कर लेते हैं। सारे खोल के नहीं दिखाऊंगा, जितने नट और बोल्ट आप निकालेंगे आपको प्रॉपरली रखने हैं संभाल के, ताकि वो मिसप्लेस ना हो। तो ये आप देख सकते हैं चारों बोल्ट हमने निकाल लिए हैं, 10 नंबर सॉकेट लगेगा और ये सारे रिमूव हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो जैसे कि जो ये क्लैडिंग है, व्हील आर्च क्लैडिंग जिसे बोलते हैं, ये अपनी नेक्सोन में यहाँ तक अलग पार्टीशन था और ये वाला अलग पार्टीशन था, बट जो किया सोनेट है उसमें ये पूरा जो व्हील आर्च क्लैडिंग है ये पूरी एक ही है। तो हमें पहले सबसे पहले ये रिमूव करनी पड़ेगी इस तरीके से। बहुत ही आराम से आपको ये रिमूव कर देनी है, और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है जो आपको हटानी पड़ेगी। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर स्क्रू दिखाई देगा, ये एक स्क्रू है, मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलिप्स हेड स्क्रू है, हमें ये रिमूव करना पड़ेगा। और इसके बाद ये जो क्लिप्स हैं, ये वाली रिमूव हमें करनी पड़ेगी क्लिप, तो ये करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, जो ये अपना फेंडर वाला जो मैंने आपको स्क्रू दिखाया, जो फिलिप्स हेड स्क्रू है, या तो आपको फिलिप्स हेड का जो सॉकेट है वो यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको 8 नंबर सॉकेट यूज़ करना पड़ेगा। तो 8 नंबर सॉकेट यूज़ करके इसको रिमूव करेंगे हम। ये वाला जो स्क्रू है हमारा, ये वाला, इसको मैं रिमूव करूँगा। तो ये अपना स्क्रू है, आप फिलिप्स हेड सॉकेट भी यूज़ कर सकते हो इसको खोलने के लिए, बट यहाँ पर रेत जमा हुआ था तो इसकी ग्रिप नहीं बन पा रही थी, तो मैंने सॉकेट यूज़ कर लिया इस तरीके से, इसमें डाल। तो इसको भी सही से प्रॉपरली रख देते हैं सही जगह पे। तो ये है क्लिप रिमूवर टूल, इसकी हेल्प से हम क्लिप रिमूव करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं वो दिखा देता हूँ। ये क्लिप है, इसके अंदर हमें इसको इस तरीके से डालना है और बस ये क्लिप रिमूव। तो इतना आसान है इसकी हेल्प से इसको करना, अदरवाइज़ इसको क्लिप्स को रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये हमने निकाल ली, और अब बम्पर को निकाल के देखते हैं। जो व्हील आर्च क्लैडिंग है इसको थोड़ा सा साइड में करके, और आपको बम्पर को पुल करना पड़ेगा इस तरीके से, बिल्कुल आराम से बम्पर खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 1, 2, 3 तीन जो लॉक है वो हेडलैम्प्स के नीचे हैं, और यहाँ दिखा देता हूँ, 1, 2, 3 ये तीन लॉक जो है इस साइड है, पर इनकी क्वालिटी बहुत ही वीक है यार। आप देख रहे हो ये खोलते हुए टूट भी गया है थोड़ा सा। इसको देखते हैं हम फेविक्विक वगैरह से कुछ कर पाएंगे, इसको तो हम करेंगे, और सेम उस साइड हम निकाल लेंगे। इस साइड की आप देख सकते हो व्हील आर्च क्लैडिंग मैंने हटा दी है, बस अब बम्पर को खींच के बाहर निकाल देते हैं, वो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको बहुत आराम से खींचना है इस तरीके से, ये बाहर आ जाएगा, और फिर आपको आगे खींचना है इसको। ये तीन लॉक हेडलैम्प के खुल गए, और बस अब बम्पर को हम धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप जो ब्रैकेट देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे स्लॉट दिए गए हैं। तो इसमें दो तरीके का वो लॉकिंग मैकेनिज्म है, एक तो बोल्ट की हेल्प से लॉक है, और जो बम्पर है इसके नीचे एक पार्ट बना हुआ है ऐसे थोड़ा सा छोटा सा, जो इसके अंदर जाके अटक जाता है। तो आपको थोड़ा सा उठा के इसके अंदर डालना पड़ेगा, और फिर नट कसने पड़ेंगे। मतलब आप समझ गए ना कि आपको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा इसको, ऐसे लिफ्ट करना पड़ेगा और फिर पीछे खींचना पड़ेगा। तो आप देखो पीछे होके थोड़ा सा कि पूरा ये खुल गया है,
चार बोल्ट, एक वहाँ पे स्क्रू है फिलिप्स हेड, एक यहाँ पे स्क्रू है फिलिप्स हेड, एक क्लिप है यहाँ पे, एक क्लिप उस साइड है, और ये पूरा इस तरीके से बाहर आ जाएगा। अब बस हमें अपने बल्ब रिप्लेस करने हैं। तो आप देख सकते हो ये प्रोजेक्टर लैंप का हमें एक्सेस मिल गया है, ये अपना प्रोजेक्टर लैंप है। और लगे हाथों आज मैं आपको किया सोनेट के हॉर्न भी दिखा दूंगा। सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं पहले वो कर लेते हैं, हमें ये बल्ब निकालना है बाहर। तो इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। जैसे ये तो अपना बल्ब हो गया, बल्ब के बाद जो बल्ब लगा हुआ है ये तीन लॉक की वजह से लगा हुआ है, एक दो तीन, ये तीन लॉक है। तो तीन लॉक आपको प्रेस करने पड़ेंगे बाहर से तब ये निकलेगा, कोई रोटेट वगैरह करके नहीं निकलता है। और ये अपना बल्ब है, ये आ गया बल्ब बाहर। तो ये बल्ब अपना बाहर निकला है, आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी जो अपना बल्ब है वो एक्सलाइट ब्रांड का ही है जो हम आज रिप्लेस करेंगे। HB49006 है ये, 12 वोल्ट 51 वॉट है ये, पर ये जो है येल्लो है। पर आज इसकी जगह रिप्लेस करके हम सेम एक्सलाइट ब्रांड का 55 वॉट्स लगाएंगे। तो कुछ लोग कहेंगे कि 51 से 55 जा रहे हो, तो इतना माइन्यूट सा फ़र्क चलता है। फ़र्क चलता नहीं है, मतलब कुछ स्पेसिफिकेशन होती है फिक्स्ड, जैसे 55 वॉट ही आता है। कंपनी ने 51 वॉट बनवाया है वो एक अलग बात है, पर स्टैंडर्ड आफ्टर मार्केट में 55 वॉट्स ही आता है। तो इसको लगाएंगे। तो ये दोनों बल्ब मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों बल्ब एक जैसे ही हैं। इनका जो बेस है वो भी सेम है, बेस हमेशा सेम होना चाहिए वरना बल्ब लगता नहीं है। इन लाइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इनकी थिकनेस और ये, तो इसको बेस बोलते हैं। बेस दोनों का सेम होना चाहिए। और ये भी एक्सलाइट का ही बल्ब है, दिखाई चुका हूँ मैं पहले भी, एक्सलाइट ही है ये। ये वाइट बल्ब है, दोनों की जो लेंथ है वो भी सेम है। तो अब इसको लगाएंगे और फिर आपको रिस्पॉन्स चेक करवाऊँगा। तो इसको लगाना कैसे वो दिखा देता हूँ। सब कुछ इसमें प्लग एंड प्ले ही है क्योंकि हमारे दोनों बल्ब सेम हैं, तो हमें बस ये दोनों डाल के इस तरीके से, ये आपको जब तक लॉक की आवाज़ ना आए इसको प्रेस करना है, ऐसे ये टक की आवाज़ आई ये लॉक हो जाएगा। तो मैं आपको ये होल्डर के बारे में बता रहा था, इसके अंदर भी तीन स्लॉट दिए गए हैं, और जो ये बल्ब होता है इसका भी बेस जो होता है उसमें भी तीन स्लॉट है। तो इनका मैच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई और बल्ब इसके अंदर फिट होगा नहीं इसीलिए, क्योंकि इसका बेस सेम होना चाहिए। अगर कोई और बेस का होगा तो वो फिट ही नहीं होगा इसके अंदर। तो आपको करना क्या है, इस बल्ब को ऐसे निकाल के, और इसमें भी लॉक मैकेनिज्म है, ये तीन डॉट दिख रही है आपको, दिखाता हूँ आपको, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक ये वाली डॉट, इसके साथ मैच करके ऐसे, और बस ये लॉक हो जाता है। ये जो बल्ब है वो लॉक हो गया है, ये तीन डॉट के साथ मैच कर जाएगा। एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, और एक डॉट यहाँ है, तो इन तीनों के साथ ये मैच कर जाएगा इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर। और फिर बस इसको आपको इसके अंदर स्लॉट के अंदर डालना है। ये तीन स्लॉट बने हुए हैं, एक दो और तीन, बस कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे पकड़ना है और आराम से बल्ब को अंदर डाल देना है, बिल्कुल धीरे धीरे से। ये आपको तीन लॉक की आवाज़ आ जाएगी, टक टक टक, और ये डन, ये हो गया है। एक बार फॉग लैंप ऑन करके दिखा देना। तो गाइज ये है अपना फॉग लैंप जो कंपनी फिटेड बल्ब के साथ जल रहा है। इसका जो कलर टेम्परेचर है वो टूवर्ड्स येलो है, और ये जो हमने अभी आफ्टर मार्केट लगाया है इसका जो कलर टेम्परेचर आप देख सकते हो टूवर्ड्स वाइट है। और इसलिए मैंने बीच में दिखा दिया आपको, क्योंकि आपको बाद में पता नहीं लगता कि जब दोनों रिप्लेस हो जाते हैं तो डिफरेंस पता नहीं लगता। तो आपको और क्लोजअप करके दिखा देता हूँ। ये है कंपनी फिटेड, आप देखो ढंग से इसको, ये कंपनी फिटेड है, ज़्यादा येलो लग रहा है ये वाला। और अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं तो इसको आप देख सकते हो ये टूवर्ड्स वाइट है। रात को बेटर हमें पता लगेगा, आपको रात को भी चेकआउट करा दूंगा। तो ये है, अब दूसरे वाला भी रिप्लेस कर लेते हैं। ये हमने दूसरे वाला बल्ब भी निकाल लिया है। एक प्रिकॉशन मैं आपको दे देता हूँ, कभी भी बेयर हैंड से आपको बल्ब नहीं पकड़ना है। ये जो फिलामेंट है ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, कभी भी हाथ नहीं लगाना इसको। इसको रखते हैं और अपना एक्सलाइट वाला ये वाला बल्ब अब इसमें लगाएंगे। ये बल्ब मैंने इसमें लगा दिया, और आपको इसकी रोशनी टेस्ट कराने के लिए एक बार इसको बाहर ही निकाल के जला के दिखा देता हूँ कि इसकी रोशनी कैसी है। एक बार ऑन करना तो देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स है इसका, इस तरीके का दिखाई दे रहा है ये। और आप देख रहे हो धुआं निकल रहा है, इतना गर्म हो जाता है ये। ज़ीनॉन वाइट अल्ट्रा इसका नाम है, ये आपने देखा इस पर।
अब बंद करवा के इसको मैं वापस इसके अंदर लगा देता हूँ। जैसा कि आपको बताया था, इसके अंदर डाल के जो ये तीन लॉक है, इस लॉक के अंदर आपको ये लॉक करना है इस तरीके से। ये प्रेस करके ये लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद आपको बस इसके अंदर डाल के इसको प्रेस करना है और आपको क्लिक की आवाज़ सुननी है कि प्रॉपर क्लिक की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। ये तीन क्लिक की आवाज़ आ गई और मैंने इसको कर दिया। तो गाइज़, हमने ये काम कंप्लीट कर लिया है। अपने दोनों जो स्टॉक बल्ब्स मिलते हैं फॉग लैंप के अंदर, वो अपग्रेड करके एक्सलाइट के ज़ीनॉन वाइट अल्ट्रा अपग्रेड कर लिए हैं। और अब इस बम्पर को हम वापस से पैक करेंगे, तो वो आपको मैं इन शॉर्ट दिखा दूंगा जल्दी जल्दी, प्रॉपर नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने खोलना सीख लिया तो बंद तो आप कर ही लोगे। तो इसको बंद कर देते हैं वापस। तो हमने ये जो बम्पर के चार बोल्ट हैं इसको एडजस्ट कर लिया, उठा के मैंने बताया था आपको प्लेस करना है। और यहाँ पर एक रबड़ का एक इंसुलेशन टाइप होता है, एक रबड़ का पार्ट मिलेगा आपको। आप उसको जब तक सही से एडजस्ट नहीं करोगे, दिखाया था एक रबड़ का पार्ट, उसको जब तक एडजस्ट नहीं करोगे ये वाला पार्ट नहीं बैठेगा। अब ये वाला सबसे पहले पार्ट बैठा के अब साइड वाला बंद कर देंगे और आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे वो भी। जो ये लॉक है, जो ये यहाँ के हेडलाइट के तीन लॉक बताए थे, सबसे पहले इनको अंदर डाल देंगे। और ये वाले जो तीन लॉक हैं, इसको भी बम्पर को थोड़ा सा उठा के और इसको अंदर डालेंगे। अब हम इसमें ये जो क्लिप निकाली थी ये वापस डाल देंगे इस तरीके से, ये टक की आवाज़ आ गई। और जो ये स्क्रू निकाला था, इस स्क्रू को भी वापस से लगा देंगे इस तरीके से, इसको पुश कर देंगे अंदर। ये वाला लॉक अभी बैठा नहीं है सही, जब तक लॉक सही बैठेंगे नहीं ना तब तक बात बनेगी नहीं। पहले हेडलाइट के नीचे वाले लॉक को बैठाना है और फिर ये वाले लॉक प्रॉपर बैठ जाएंगे। इस तरीके से ये काम होगा, पर आपको दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आप सिंगल आदमी इस काम को नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर इस साइड से लाइन आप देख लो बैठ गई है। तो आपको इस तरीके की क्लिप्स का ध्यान रखना है, कई बार अंदर रह जाती है, जैसे ये वाली अंदर रह गई है। तो देख के आपको इसको, जैसे इसको मैं देख के बाहर निकाल लूँगा ढंग से। इस तरीके से मैंने इसको बाहर निकाल लिया और इस जगह ये लगनी थी यहाँ लगा दिया। अब मैं इसको वापस अंदर डाल दूँगा आराम से। तो अब आप देखो प्रॉपर बैठ गई है क्लैडिंग। अब अपनी जो क्लिप है वो लगा देंगे और स्क्रू टाइट कर देंगे। अब जैसे ही सारी चीज़ें सही बैठेंगी तो आप देखोगे अपने आप जो बोल्ट के स्लॉट हैं वो बिल्कुल मैच करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ करी होगी तो मैच नहीं करेगा कुछ भी। और ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के साथ नहीं करनी है, अगर ज़बरदस्ती करके फिट करोगे तो कुछ ना कुछ टूटेगा ही। तो फाइनली पूरा बम्पर पैक कर दिया है, आपको एक बार लाइट जला के दिखा देता हूँ फिर वाइंड अप करते इस वीडियो को। तो गाइज कुछ इस तरीके की लाइट है, थोड़ा डिम करके दिखा देता हूँ। ये लाइट है, अभी दिन में जज करना मुश्किल है, तो रात को इसकी कुछ फ़ोटोज़ आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो गाइज कुछ ऐसी लुक है गाड़ी की बल्ब चेंज करने के बाद। जो फॉग लैंप्स हैं वो प्योर वाइट तो नहीं हुए बट काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं पहले से। जो बल्ब हमने अपग्रेड करके लगाए हैं उनका कलर टेम्परेचर 4300 केल्विन के आसपास है, और जो बिल्कुल प्योर वाइट लाइट होती है उसका कलर टेम्परेचर होता है 5 से 6 हज़ार केल्विन के बीच। तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है, चेक कर लो आप। तो गाइज आपने फाइनली देख लिया कि कैसे किया हमने इसका काम, इसका बम्पर ओपन किया। तो आपको ये भी सिखा दिया कि बम्पर कैसे ओपन करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको कुछ सीखने को मिला, आपको लगा हाँ भाई कुछ अच्छा था, कुछ मेहनत लगी हमारी, तो इस वीडियो को तो लाइक करना ही है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि आप ऐसी वीडियो फ्यूचर में कभी मिस ना करो। थैंक यू।